हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो ये है टेक न्यूज़ का पार्ट टू। तो बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपने टेक न्यूज़ का पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला अपडेट निकल के आया है वो है चाइना के टेक्नोलॉजी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, चाइना के साइंटिस्ट अभी से 6G का रिचार्ज जो है चालू कर दिया है। अभी इंडिया में 5G नहीं आया, 4G सब लोग चला रहे हैं। 4G इतना स्पीड है, तो 6G कितना स्पीड होगा आप सोच भी नहीं सकते। रेडिएशन वगैरह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कुछ स्पीड तो बहुत तेज होगा। जो भी आप टेक्निकल क्या है वो है क्वालकॉम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, क्वालकॉम ने कह दिया है 2020 में 5G फोन 2,000 मिलियन से भी ज़्यादा सेल होगा। तो देखते हैं क्या होता है, और शायद आईफोन के जो अगले मोबाइल्स निकलेंगे वो भी 5G के हैंडसेट के साथ आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट निकल क्या है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐप पब्लिश करेंगे जो कि iOS और Android को सपोर्ट करेंगे, जो कि सारा ऐप माइक्रोसॉफ्ट की Android ऐप जो कि है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो सारा ऐप एक ही ऐप में सारा पब्लिश कर देंगे, एक ही ऐप में सारा फंक्शंस होंगे। तो बहुत ही अच्छा होंगे, ज़्यादा बार बार सारा ऐप्स आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, एक ही ऐप में सारा कुछ होगा। PDF करो, क्रिएट करो, आप व्यू करो, सारा हो जाएगा। तो ये बहुत हेल्प किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट आया है व्हाट्सएप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम है वो अभी तक इंडिया में नहीं आया है। वैसे वीटा में तो आया है, लेकिन फुल वर्जन उसका इंडिया में नहीं आया है। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जब इंडिया में फुल वर्जन आएगा तो डिजिटल बैंकिंग का है जो बहुत ही लॉस होगा। तो देखते हैं क्या होगा, वैसे इंडिया में नहीं आया है तो देखते हैं क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।